7.5 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप कि आप लोगों ने फॉर्मूले याद किए होंगे। इफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स देन वाई डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होगा, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू वाई एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। नोट, फर्स्ट नोट तो ये कि डी वाई बाय डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स का डी वाई डी एक्स यदि हम लेते हैं तो हमें मिलता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है। इट कैन बी राइट एज ऑन दिस, ये सब एक ही बात है, ठीक है। और अबाउट हायर ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो या वी कैन से दैट ऑल्सो, ये एंथ डेरिवेटिव हो गया। सब एक ही सेंस है, ये nth डेरिवेटिव की बात है, ठीक है। हमारे सेकंड ऑर्डर ही है तो मैंने जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा दिया एक अलग से, तो लिखने का प्रेजेंटेशन सबका एक ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल 19 का थर्ड, y इज इक्वल टू है e रेज टू द पावर 6x और 3x। यूवी मेथड से डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। देखो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx is equal to 6 e raised to the power 6x cos 3x plus e raised to the power 6x cos ka kya ho jayega sin 3x hogi negative and 3 also now again d2y by dx, sorry, differentiate with respect to x implies d2y by dx2 is equal to 36 e raised to the power 6x cos 3x, 6 as it is e raised to the power 6x bhi as it is cos 3x ka kya ho jayega? साइन 3x नेगेटिव और 3 का 36 18, ठीक है। माइनस 36 18 e रेस्ट टू द पावर 6x साइन 3x, अब इसको कांस्टेंट करेंगे इसका डेरिवेटिव, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 3 e रेस्ट टू द पावर 6x साइन 3x का cos 3x और 3 3 9, ये हमारा इसका डेरिवेटिव आया। इसको और सॉल्व कर लो, देखो आंसर वैसे यहां पर हो गया, बस ये
टर्म्स को एक साथ कर दूं, 36 माइनस 9 कितना हो गया, 27। एटीन एटीन 36 रेज़ टू द पावर 6x साइन 3x। इसको और अगर आगे सॉल्व करना चाहो तो ये लिख सकते हैं 27, ये क्या हो जाएगा आपका y, ठीक है। चलो इतना ही बहुत है, आगे एक स्टेप और बढ़ सकती है। आंसर पता नहीं क्या दे रखा है, देखना पड़ेगा मुझे ये। क्या है ना, ये क्वेश्चन अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर प्रूविंग क्वेश्चन आएंगे तो उस केस में हमें कैलकुलेशन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। इसने यहां से 9 कॉमन ले रखा है, रेश्यो की बार 6x कॉमन ले रखा है, की बात है, ठीक है। इसके एग्जांपल नंबर 19 में मुझे जो सही लगा क्वेश्चन वो मैंने करा दिया, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चंस कोई क्वेरी होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम कंसल्ट करेंगे। एग्जाम्पल 20 प्रूविंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है मैनिपुलेशन वाले और कैलकुलेशन वाले, ये हटा दू। इधर वाला रब कर देंगे बेटा, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए एग्जाम्पल 20, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एम, देन प्रूव दैट। एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई। चलो देखो सॉल्यूशन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज़ टू द पावर एम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx is equal to mx plus root of x square minus 1 raised to the power m minus 1 divided by, देखो मल्टीप्लाई में लिखेंगे डिवाइड में लिखेंगे, अंदर का डेरिवेटिव लेना है, मल्टीप्लाई में लिखेंगे बट रूट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो अपॉन में आएगा, ठीक है। इधर वाला रब कर रहा हूं मैं, एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वन बाय टू रूट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन का टू एक्स। आई होप क्लियर है।
एलसीएम लो, टू से टू कैंसिल, एलसीएम लोगे देखो सेम है, एम माइनस वन था यहाँ, पावर वन है, दोनों को ऐड कर दो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं है आपको। ठीक है, अब देखो इसको मैं वाई लिख सकता हूं, क्यों लिख रहा हूं ये समझो, सॉल्यूशन में वाई एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए। मल्टीप्लाई करो, चलो अगले स्टेप में कर लो, बढ़ा लो एक स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर करो दोनों तरफ, क्या आएगा, ठीक है कोई इश्यू यहां तक, और इसका डेरिवेटिव करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देखो इसका डेरिवेटिव है साथ में ये है तो यूवी मेथड से होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो क्या हो गया 2x डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, एक मिनट में फिल आउट कर रहा हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन टू डीवाई बाई डी एक्स, और डीवाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एम स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का टू वाई और वाई का वाई वन, आई होप क्लियर है। Any issues there? चलिए अब इसके बाद सिर्फ आंसर के हिसाब से सेट करना है। देखो ये जो y1 है मैं इसको लिख देता हूं dy by dx, कैंसिल हो गए, डीवाई बाई डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स, क्या बचा 2x डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, टू से टू भी कैंसिल हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव, आई होप कि कोई इश्यू नहीं होगा। जल्दी से कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो, वॉट एवर यू हो ना,
एग्जाम्पल 21 If x cube plus y cube minus 3ax square बराबर 0 प्लस x cube plus y cube plus 3ax square बराबर 0 then prove that d2y by dx to 2a square x square divided by y raised to the power 5 is equal to 0. Differentiate with respect to x. 3x square plus 3y square dot y का derivative क्या हो जाएगा? Divide by dx यानी y1 plus देखो अभी आप लोग 12th में हो तो अभी आप लोगों के जो y1 या y2 वाला formation है ना वो है तो सही लेकिन जब answer लिखो तो याद रखना dy by dx की form में लिखना है अभी तो चाहे आप यहाँ पे y1 लिख लो लेकिन जब आंसर लिखोगे ना तो y1 नहीं फिर dy by dx की फॉर्मेशन में लिखना है आपको ठीक है y का y1 plus 6ax is equal to 0 आई होप क्लियर है अब एक चीज समझो ये y raised to the power 5 करना है अगर मैं इसको एज इट इज यही रखूंगा तो डिनोमिनेटर में लेके जाओ डिनोमिनेटर में जब हम यू बाई वी से डिवाइड यू बाई वी से डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी का स्क्वायर होता है तो वहां पे पावर इंक्रीज हो जाएगी डिक्रीज होने की जगह तो वाई वन इज इक्वल टू हो गया माइनस सिक्स ए एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर अब देखो y स्क्वायर नीचे आ गया ना अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो उस केस में ये क्या होगा उस केस में इसकी पावर इंक्रीज करेगी ठीक है अब इसमें से देखो पहले 3 से 6 टू टाइम्स कट गया ये कैंसिल हो गया ये हो जाएगा 2ax plus x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई टू माइनस एज इट इज यू वाई वी मेथड से डिवाइड करो टू डिफरेंशिएट करो वाई रेज टू द पावर फोर देखो वाई स्क्वायर एज इट इज टू ए एक्स का क्या रह जाएगा टू ए एक्स स्क्वायर का टू एक्स ठीक है और माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और y का y1 आई होप देयर इज नो एन इश्यू इन दैट ठीक है अब देखो y स्क्वायर वाला काम तो हमारा हुआ हुआ है बस इस टर्म्स को हमें बनाना है नेगेटिव है ऑलरेडी इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी इसको सॉल्व करना है और ये रिजल्ट क्रिएट करना है ठीक है अब समझो देखो y y और y raised to the power 4 तो मैं अगर यहां से इसको कट कर दूं इधर से इस y को कट कर दूं और यहां से इसको 3 कर दूं तो ये y स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा मुझे y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तो ठीक है पहली बात ये कैलकुलेशन उधर कर लेते हैं नीचे हो जाएगा थोड़ा
वेट अ मिनट, मैं फिल कर रहा हूँ। Y2 is equal to माइनस y की वैल्यू यहां से पुट करो बेटा, क्या आ रही है x क्यू प्लस y क्यू प्लस 3ax स्क्वायर। सॉरी y की वैल्यू मिलेगी नहीं, y क्यूब है, तो y क्यूब है तो फिर स्क्वायर काटो मत, मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे y से, देखो अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2 पावर, ठीक है, और ये हो जाएगा 5। ऐसा करो अगले स्टेप में बढ़ा लो वरना कंफ्यूज रहोगे कि बोले ये कैसे हुआ। देखो y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा y क्यूब। मैंने कहा था यहां मैनिपुलेशन होगा, ध्यान रखना है, अब चीजें वैसी नहीं होगी, मैनिपुलेट होगी थोड़ा सा। माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर 2y y1 y raised to the power 4। y से मल्टीप्लाई करा तो 3 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया और ये आपका 5 हो गया, देखो डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है। y क्यूब की वैल्यू ये रही नेगेटिव में, माइनस माइनस का x क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2a प्लस 2x माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर। अब यहां देखो y स्क्वायर y1 की वैल्यू ये रही, माइनस का 2, इसको इधर ले आऊं, यहां से हमें मिल गई y स्क्वायर y1 की वैल्यू, यहां पुट कर दो तो ये हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 2ax प्लस x स्क्वायर होल के डिवाइड में y रेज़ टू द पावर 5। आई होप कि क्लियर होगा। क्या किया हमने, y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, y क्यूब की वैल्यू यहां से पुट करी इक्वेशन 1 से, और y स्क्वायर माइनस y1 की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर दिया। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 आगे अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस तो माइनस है ही बार ऑलरेडी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2ax क्यूब माइनस 3 टू जा 6 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 6ax क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करो यह आ जाएगा आपका 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax क्यूब प्लस 2ax क्यूब प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी टर्म्स कट रही है, 2 to 4 ए एक्स क्यूब ले रहा, देखिए
और इसको बाहर निकाल दो, 1/5 raised to the power 5 को। टू ए एक्स क्यूब से 2ax³ कैंसिल, 6a² x² इससे इसको सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा, माइनस का 2a² x² 2ax³ को लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4ax³ माइनस 2x³ प्लस x^4। ठीक है, अब x³ ax² ax³ ठीक है, 2² x² कॉमन निकालो इसमें से, x² कॉमन आ रहा है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। अब एक वैल्यू पुट करनी है, कौन सी इक्वेशन से करें बताओ, आंसर आ गया है, बस एक स्टेप है, लास्ट स्टेप कौन बता रहा है कि सर इस वैल्यू को पुट करने से आंसर आ गया, सबको दिख रहा होगा क्या करना है, बट कैसे वो बताओ, निकिता अभिषेक सैनी क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहा है सर भाई, क्यूब की वैल्यू पुट कर दो, आर यू सीरियस, वाई क्यूब की वैल्यू कहां से आ गई यहां पे, और किसमें पुट कर दूं, कहां चल रहा है बेटा, यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल इजी है, वो आप खुद से करेंगे और एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है, एग्जांपल ये थोड़ा सा टफ था बिकॉज इसमें 3 जगह मैनिपुलेशन है, जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें तो सिर्फ एक ही मैनिपुलेशन है, ठीक है, इसलिए अब बताओ ये क्या करना है, आगे स्टेप बताओ लास्ट। तो स्टेप बताओ या फिर ढूंढो कि क्या है, वरना होमवर्क में दूंगा मैं, क्योंकि एक स्टेप बची है,
ये कौन आ गया? लक्ष्य, लक्ष्य कौन है? लक्ष्य कौन है? भाइयों बेटा 5 मिनट में क्लास खत्म करते हैं, अभी आपके फिजिक्स वाले सर एंट्री करेंगे, उठ जाओ। अब देखो, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया पर मैं बताता हूँ। मैंने कहा ना, या तो आप गलती ढूंढो या फिर एक स्टेप बची होगी आपके अकॉर्डिंग, वो बताओ। जब हमने यहाँ वैल्यू पुट करी, अब मैं बता रहा हूँ देख लो, जब यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी तो ये जो 2 था ना, हमने इसको यहाँ छोड़ दिया, तो ये 2 आएगा। जब ये 2 आएगा तो ये टर्म्स हो जाएंगी ट्वाइस, 8 टाइम 4 टाइम 4 टाइम 2 टाइम, ये एक्स की पावर 4 था। अब मल्टीप्लाई में देखो, ये टर्म भी गई, ये तो हो गई खत्म। दूसरी बात, 4ax³ कितना हो गया? 8 6 और 2 8, तो ये भी कैंसिल हो गया पूरा, तो ये टर्म भी खत्म हो गई। ठीक है, अब आपका बचता है क्या? 2x³, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट में ही नहीं है अब, तो बचा क्या? ये माइनस का 2a² जो कि हो गया प्लस का, क्योंकि 8 बड़ा आ गया। अरे एक स्टेप में आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हैंड स्पीड, ये लाना था। अच्छा, इसको एक स्टेप और लिख दो, हैंड स्पीड मत लिखो यहाँ पे अभी। इम्प्लाइज y2 = क्या आ गया हमारा? -2a² x² / y^5 इम्प्लाइज y² + 2a² x² / y^5 = 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है। सेकेंड थिंग, कैलकुलेशन बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ करनी है। टीचर्स गलती कर बैठते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, तो हर स्टेप को कॉन्सेंट्रेट करना है। करने के बाद में पीछे वाली स्टेप दोबारा चेक करनी है, तब जाके क्वेश्चन करेक्ट होगा, अदरवाइज बैठे रहोगे। आज का लास्ट क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 22, आप उससे ट्राई करेंगे, इजी है। और 8 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं। ठीक है, सो जॉय योर डे, बाय एंड टेक केयर। मैं लॉग आउट कर रहा हूं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। बेटा मिनट स्क्रीन को क्लियर होने दो, फिर ले लेना स्क्रीनशॉट।
अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, स्क्रीन क्लियर है।